एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए डीमार्ट हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो किचन से रिलेटेड कुछ किराने के सामान है वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ मैं क्या क्या है, तो अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी रेड है इसमें, तो एक एक करके बताती जाती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहला ये मग्गा है, इसकी मैं प्राइस बताती हूँ आपको। ये इसके MRP है 40 रुपीज़, 46 रुपये में मग्गा, मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस में वहाँ पर मिलता है। सेकंड देखते हैं मेरे पास क्या है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो। सेकंड टिश्यू पेपर है ये, इसकी MRP मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। इसकी MRP है 70 रुपीज़, 70 रुपये की है ये। काफ़ी मतलब इसमें दो ऑप्शन था, एक और था जो कि 50 रुपीज़ का था, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ये ज़्यादा अच्छा लगा तो ये मैंने लिया। अगेन देखते हैं मेरे पास क्या है। और ये है कपड़े रखने का बास्केट, हाँ इसे देख सकते हो। तो मैं कपड़ा इसी में रखती हूँ ज़्यादातर करके, तो ये कपड़े रखने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ आप सभी को। ये देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, ये कुछ इस टाइप से रहता है। ये देख सकते हो ये कपड़े रखने का ये बास्केट है, क्योंकि मुझे लेट के दिखाना पड़ रहा है। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिंक कलर है ये। ये देख सकते हो इसके अंदर भी हम कुछ रख सकते हैं दोनों तरफ से हैं। तो ये गाइस, जैसे कि हम ऑफिसों के लिए जाते हैं या हम कॉलेज जाते हैं, तो ये छोटा सा बॉक्स है टिफिन टाइप से, जिसको हम नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि सेव परमल वगैरह कुछ भी जैसे कि आपको रखना हो वो आप इसमें रख सकते हो। इसकी मैं प्राइस बताती हूँ, हाँ ये 50 रुपीज़ का है, 50 रुपये का ये सिंगल बॉक्स। इसकी क्वालिटी लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हो बहुत हेवी है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बॉल है छोटा सा क्या है, और ये देख सकते हो क्या है ये, मैं खा लेती हूँ। MRP 100 रुपीज़ का ही है, 100 रुपये का, जो कि टेस्ट बहुत ज़्यादा। चटन देखते हो, ये इलायची है जो कि नॉर्मल आसपास के शॉप से लोगे तो थोड़ा सा मतलब आपको कॉस्टली मिलेगा, ये 25 रुपीज़ का मुझे मिला है। सेकंड बाउल ये है जो कि देख सकते हो 39 रुपीज़ का है ये, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये दोनों एक जैसा ही है। इसकी MRP है 85 रुपये, 85 का है ये। और गाइस ये मेरा लंच बॉक्स है जो कि मैं कॉलेज लेके जाऊँगी, और जैसे कि मैं फ्रेंडों के पास जाती हूँ तो मेरे पास टिफिन नहीं रहता, तो मैं ये लेके जाऊँगी। ये कांच का है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप अपने हस्बैंड के लिए आप अपने बच्चों के लिए ये ले सकते हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में डीमार्ट में मिलता है, तो आप जाकर परचेसिंग ज़रूर करना। इसकी MRP है 149 का है, मतलब 150 समझ लो समथिंग। क्वालिटी देख सकते हो, देखो काफ़ी प्यारी, मतलब इतनी अच्छी है गाइस, मैं मतलब इसकी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, वाकई में ये बहुत अच्छी है। 120 का है ये गाइस, देख सकते हो, जिसमें से ये छोटे छोटे से ये दो हैं, और ये डब्बा भी आया है बोतल इसके साथ, और इसमें भी फूल हैंडवॉश है, तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला। डिटॉल का है ये, मेस्ते इसकी प्राइस बता दूं मैं आप सभी को, तो ये 155 का ही है। ये है इलायची, बड़े वाले इलायची है ये। तो ये पॉन्स का मॉइस्चराइजर है जो कि देख सकते हो,
मैं यही वाला यूज करती हूँ नहाने के बाद, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मतलब पर्सनली इसका सजेस्ट करना चाहूँगी, इतना अच्छा है ये। मतलब इस फेस पे लगाने के बाद स्किन टोन इतनी प्यारी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है। मुझे मतलब 2 साल हो गए यूज करते करते को ये। तो इसकी प्राइस मैं बता दूँ आप सभी को, 309 रुपये का है। ये थोड़ी सी महंगी है बट ये काफ़ी, इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, इसकी टेक्चर भी बहुत अच्छी है। तो ये राइस है, देख सकते हो, मुझे एक्चुअली पुलाव के लिए राइस चाहिए था। मैं ज़्यादा राइस खाती नहीं हूँ तो मैं ये सिंगल पैकेट लाई हूँ राइस का भी। तो इसका MRP है 175। बच्चों वाले मंच लेके आई हूँ मैं, जो कि 2-2, 3-3 रुपये का आता ही है। और ये बाथरूम के लिए चाहिए था जिसको मैं लेके आई हूँ। इसका मैं आपको प्राइस बता दूँ, 32 रुपीज़ का है ये। हाँ, ये बाथरूम के लिए लेके आई हूँ मैं, इसका भी प्राइस बता देती हूँ, 55 का है ये, 55 रुपीज़ का। तो ये है, देख सकते हो, निविया का MRP है 185 का। तो ये है ओट्स, जो कि देख सकते हो टमाटो वाला है। ये मुझे बहुत मतलब पसंद है, मैं ब्रेकफास्ट इसी से करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। इसकी MRP है 195 का है ये। ये है सरफ, जिस ये 1 kg का है, इसकी MRP है 65। तो बर्तन क्लीन करने का है ये, 49 का है ये, मतलब 50 रुपये बोल सकते हैं इसको। ये है चने, किराना सामान, तो चने 46 रुपये। ये बेसन है, इसकी MRP है 82 रुपीस। और ये है, इसको आप फ्रिज में रख सकते हो, मतलब ये ऐसा है कि आप इसको कभी भी तलो और खाओ। तो मैं इसको पर्सनली बोलूँ सॉस के साथ ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इसकी MRP बता देती हूँ मैं आपको, ये है 125 का। और ये है काली मिर्च, छोटा सा पैकेट है ये, 106 रुपये की है ये। थोड़ी सी महंगी आती है काली मिर्च छोटी सी। तो एक चीज़ क्या है, तो ये वाइपर है, छोटा सा एक है। ये MRP है 240। सो गाइस, तो क्या है वो, क्या है तो गाइस, ये है फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए लेके आई हूँ मैं। देख सकते हो इसकी क्वालिटी काफ़ी हेवी है, ये देख सकते हो, इसकी हैंडल काफ़ी अच्छी है। इसकी MRP बता देती हूँ, तो ये 79 की है। और ये है सब्जी वगैरह धोने के लिए, जैसे कि आप चावल वगैरह इसमें रखना चाहें तो चावल भी वॉश कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा आता है ये। इसकी MRP थी 179, बट ये मुझे मिला नहीं 90। दूसरा देखती हूँ मेरे पास क्या है। तो दूसरा गाइस ये गिलास है, जो कि देख सकते हो, गिलास 3 गिलास मुझे चाहिए था, तो 3 ही लाई हूँ मैं। बट इस पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है इसकी MRP, वरना मैं आपको MRP बता देती। तीसरा देखती हूँ मेरे पास क्या। तो गाइस ये है नॉन स्टिक, ये है कढ़ाई, जो कि देख सकते हो थोड़ी सी बड़ी है। एक्चुअली गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है। इसको आप, इस पे लिखा हुआ है आप इसको इंडक्शन पे ही यूज करना, गैस पे मतलब नहीं यूज करना। तो गाइस इसकी हैंडल देख सकते हो काफ़ी अच्छी दी गई है, यहाँ से देख सकते हो बहुत हेवी है। 1 साल की इसकी वारंटी कार्ड दी गई है। इसकी MRP है 1280 रुपये, मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला है। तो मुझे ये 699 का मिला है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये देख सकते हो कितनी हेवी है। सो गाइस मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, इतनी क्वालिटी अच्छी लगी कि आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो। हाँ, तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गाइस मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो बाय बाय।